असी खड़े इस मौके सिंघू बॉर्डर की स्टेज की बैक साइड जिथे टेंशन वाला माहौल बनिया होया है क्योंकि 26 तरीक की ट्रैक्टर परेड तो बाद लगातार जिहड़े घटनाक्रम वापरे उस तो बाद लोगों के पहलों तो टेंशन बनी हुई सी पर हुण तुहानू असी तस्वीरां दिखाउंदे आ सिंघू बॉर्डर की स्टेज तो पिछे दीआं तस्वीरां जिथे पुलिस के वलों बैरीकेडिंग की जा रही है ते लोकां नूं उस पासे जाण तों रोकिया जा रहा है। लोकां दे विच थोड़ा दहशत वाला माहौल है, तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो वड्डी गिणती दे विच पुलिस बल इत्थे तैनात किया गया है जिन्हां दे वलों रस्तियां नूं रोकिया जा रहा है। तुसीं तस्वीरां विच देख सकते हो दूर तक असी खड़े हाँ इस मौके दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जिथे लगातार पिछले दो महीनों तो किसानों के वलों स्टेज लगाई गई उस स्टेज की बैक साइड असी तुहानू तस्वीर दिखाने किहो जिहा माहौल है इस मौके क्योंकि 26 तरीक की ट्रैक्टर परेड तो बाद जो घटनाक्रम वापरिया उस तो बाद लोगों के मनों के सवाल है, जाहिर तौर पर यह सवाल है कि हुण सिंघू बॉर्डर से ज वख-वख बॉर्डर के उपर किहो जी स्थिति है, किहो जे हालात ने। जिहड़े हालात ने उन्हां दी तस्वीरां असीं तुहानू सीधियां दिखा रहे हां सिंघू बॉर्डर तो वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स जिहड़ी है वह सिंघू बॉर्डर दे उपर तैनात की गई है। जिहड़े बैरीकेड है वह लगाए जा रहे हैं, बैरीकेडिंग की जा रही है, तुहानू तस्वीरां दे विच दिखा रहे हां। निहंग सिंह लोगों उस पासे जाण तो रोक रहा है, ये तस्वीरां सिंघू बॉर्डर ते संयुक्त किसान मोर्चे की बैक साइड दी तस्वीरां ने जिथे बैरीकेडिंग की जा रही है। वड्डी गिणती दे विच पुलिस इस मौके पर इत्थे मौजूद है, लोगों के कुछ दहशत वाला माहौल भी बनया होया है कि आखिरकार इत्थे की होण जा रहा है, आखिरकार पुलिस इन्नी वड्डी गिणती दे विच इत्थे क्यों पहुँची हुई है। निहंग सिंह दे वल्लों मैं मोनू कैमरामैन नूं कहांगा कि दूर दूर तक निहंग सिंघां दीआं तस्वीरां दिखाउण क्योंकि सिंघू बॉर्डर दी जिहड़ी किसान संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज लगी हुई है उस दी बैक साइड निहंग सिंघां दे वल्लों अपने डेरे लगाए गए सन। दो स्टेजां ने इत्थे सिंघू बॉर्डर की बैक साइड तो निहंग सिंघां दीआं तस्वीरां वड्डी गिणती दे विच लोग इस नज़ारे नूं देखण दे लई पहुंचे हुए ने कि आखिरकार इत्थे की हो रहा है। दूर दूर तक तुहानू असी ये तस्वीरां सिंघू बॉर्डर तो दिखा रहे हैं, टेंशन वाला माहौल इस थां ते बनया होया है। जेकर संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज की गल करिए उत्थे भी संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं दे वल्लों अपने वलंटियर्स नूं सुचेत किया गया है, स्टेज के उपर हर जाण वाले बंदे की पुणछाण की जा रही है, उस तों पुछया जा रहा कौन है किस काम के लिए आया। दूसरे पासे सिंघू बॉर्डर की बैक साइड पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद ने जिन्हां दी अगवाई दे विच इत्थे बैरीकेडिंग की गई है, आर पार जाण वाले रस्ते नूं बंद कर दिता गया है। सामने निहंग सिंह लोगों नूं रोक रहे ने, पुलिस अधिकारी ते निहंग सिंघां दे विच आपस दे विच कोई गलबात भी हो रही है। ये तस्वीरां सिंघू बॉर्डर दीआं ने, असीं गलबात भी करन दी कोशिश करांगे आखिरकार इत्थे की होया है, की होण जा रहा है, इन्नी वड्डी गिणती दे विच इह पुलिस क्यों इकट्ठी हुई है। तुहाडा नाम की है ते की देख रहे हो इत्थे की हो रहा है? सर मेरा नाम प्रितपाल है। कदों कदे आए हो ते की हो रहा है इत्थे? सर 4-5 दिन हो गए आया नूं, बहुत वधिया माहौल चल रहा है, आ बैरीकेडिंग तो थोड़ा जिहा आया आ। तुसीं देख सकते हो नौजवानां दे विच भी थोड़ा बैरीकेडिंग नूं लैके थोड़ा डर भी पाया जा रहा है। दूर दूर तक तस्वीरां मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि दूर तक जिहड़ी पुलिस फोर्स वड्डी गिणती दे विच इत्थे मौजूद है वह तस्वीरां जरूर दर्शकों तक पहुँचाइया जाण क्योंकि पंजाब दे विच ही नहीं दुनिया भर दे विच बैठे हुए हर उस व्यक्ति के मन दे विच ये शंका है, ये सवाल है कि आखिरकार 26 तरीक की ट्रैक्टर परेड तो बाद दिल्ली के बॉर्डर के उपर जिथे किसान बैठे हुए ने लगातार धरना लगा रहे हैं हुण उत्थों की स्थिति की है, उत्थों का माहौल की है, उस माहौल दीआं उस स्थिति दीआं तस्वीरां असीं तुहानूं सिंघू बॉर्डर तो दिखा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज की बैक साइड दीआं ये तस्वीरां ने, तुसीं देख सकते हो दूर दूर तक वड्डी गिणती दे विच पुलिस इत्थे मौजूद है, आर
पार जाने वाले आम लोगों का रस्ता भी इतों बंद कर दिया गया है। निहंग सिंह गलबात कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों के नाल, कोई आपस दे विच बहस हो रही है, कोई चर्चा हो रही है। तुसी देख सकते हो निहंग सिंह लगातार पुलिस के उच्च अधिकारियों के नाल कोई चर्चा कोई वार्तालाप हो रही है इस बैरीगेटिंग लैके। 26 तरीक की ट्रैक्टर परेड तो बाद लगातार लोगों दी निगाहां सिंघू बॉर्डर ते किसानां दे मोर्चे दे उपर टिकियां होईयां ने कि आखिरकार तीन कानूनां नूं लैके जिहड़ा इह मोर्चा लगाया गया सी उस मोर्चे की स्थिति की है, कि उह मोर्चा जितया जाएगा, कि किसान जित हासिल कर सकणगे, क्योंकि किसान आए सन इह नारा लगा के जितांगे जां मरांगे। हुण इत्थों दी स्थिति की है तुसीं देख सकदे हो, दिल्ली पुलिस के वलों सख्ताई की गई है, पुलिस फोर्स इत्थे मौजूद है, लोगों के विच थोड़ा दहशत वाला माहौल भी पाया जा रहा है। हालांकि जेकर किसान आगुआ की गल करिए पूरे हौसले के विच ने, उन्हों का कहना है कि स्थिति कोई भी होवे असी हर हालत के विच मोर्चे नूं जित के वापस मुड़ांगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी किसान आगुआ के वलों जिथे लाल किले के उपर चलाए गए निशान के उपर सवाल खड़े किए गए, उत्थे नाल नाल दीप सिद्धू ते उसके साथियों के उपर आरोपों की झड़ी लगाई गई ते कहा गया कि दीप सिद्धू ते उसके साथी RSS के एजेंट ने सरकारी शह के उपर उन्होंने वालों माहौल खराब किया गया, एक किसान आगुआ का कहना है। हुण सिंघू बॉर्डर दीआं इह तस्वीरां जो लगातार असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर दीआं इह तस्वीरां ने जो असी तुहानू दिखा रहे हैं, एक बार फिर असी लै चलते हैं इत्थे खड़े हुए लोगों के वल जो छत्तां दे उपर इस माहौल नू देख रहे ने। वड्डी गिणती दे विच नौजवान इत्थे पहुँचे हुए ने, छत्तां ते चढ़ के इस माहौल नू देखिया जा रहा है कि आखिरकार इत्थे की हो रहा है। ये वो रस्ता जो आम लोगों का रस्ता सी, जिथों की आम लोग भी विचरते सन, आर पार जाते सन, पर उस रस्ते नूं हुण बंद कर दिता गया। असी अगे चल के तुहानूं तस्वीर दिखाने हैं जो पुलिस के वलों बैरीकेडिंग की जा रही है, अगे पहुँच के असी तुहानूं इह तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तुसी देख सकते हो तस्वीर के विच कि टेंशन वाला माहौल इत्थे बनया होया है। जेकर गल करिए तां इंटरनेट दीआं सेवावां बंद ने, इत्थों की खबर दुनिया तक नहीं पहुँच पा रही कि आखिरकार बॉर्डर ते की हो रहा है। तुहानूं इह तस्वीरां दिखाउंदे मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा नज़दीक तो तस्वीरां दिखाईआं जाण। असीं उचाई तो ये हेठां दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। वड्डी गिणती दे विच पुलिस इत्थे लगी हुई है। दूजे पासे ओह तस्वीरां देखो, हाथ दे विच तिरंगा फड़ के कुछ लोग अगे वध रहे ने सिंघू बॉर्डर की स्टेज के वल, संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज के वल। देख सकते हो हालांकि अज संयुक्त किसान मोर्चे के वलों ये ऐलान किया गया है कि वह तिरंगे हाथ दे विच लैके एक यात्रा कढ़णगे ते इत्थे पहुंचे हुए किसानां दे विच मुड़ तों जोश भरनगे ताकि वह कानूनां दे विरुद्ध लड़ाई जारी रख सकन। ते किसानां दा कहना है कि साडी इह लड़ाई जारी रहेगी। सिंघू बॉर्डर दीआं इह तस्वीरां हाथ दे विच तिरंगा फड़ के उपर लहराया जा रहा है। आले दुआले वड्डी गिणती दे विच पुलिस अधिकारी मौजूद ने। मौके दी तस्वीर असी तुहानू दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन कहांगा कि तस्वीर दिखाईया जान, ये तस्वीर दिखाईया जान। नारे लगाए जा रहे हैं दूर तो, की नारे ने असी वह भी तुहानू दसण की कोशिश करांगे। तिरंगे का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये नारा इन्हां लोगों के वलों सिंघू बॉर्डर पर लगाया जा रहा है।
एक इस जथेबंदी के लोग ने कौन लोग ने इस बारे अजे कुछ नहीं कहा जा सकता पर इन्हां लोगों के वलों नारा लगाया जा रहा हत्थां दे विच तिरंगा फड़ के कि तिरंगे का अपमान नहीं सहया जाएगा। ये सारा घटनाक्रम लाल किले के उपर तिरंगे के बराबर निशान चुलाए जाने तो बाद लिया घटनाक्रम वापर रहा है। तुसी तस्वीरां दे विच देख रहे हो ये लोग हाथ दे विच तिरंगा फड़ के सिंघू बॉर्डर की स्टेज के मगर पहुँच के नारेबाजी कर रहे हैं। लाल किले के उपर जो घटनाक्रम वापरिया उसका इन्हों के वालों विरोध जताया जा रहा है तो वड्डी गिणती दे विच पुलिस अधिकारियों के वालों उन्होंने रोकने की कोशिश की जा रही है। तुसी देख सकते हो दिल्ली वाले पासे तो ये नौजवान आए सन जिन्हां दे वल्लों ये कहा जा रहा है नारेबाजी की जा रही है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहया जाएगा। हालांकि जेकर पंजाब दे लोकां दी गल करिए ते लोकां दे वख-वख विचार ने कोई दीप सिद्धू दे हक दे विच भी खड़ा है लोगों का यह भी कहना है कि जिहड़ा केसरी निशान है वह तो जो केसरी निशान है वो अपमान किवें हो सकता है क्योंकि केसरी निशान तुसी तस्वीरां देख सकते हो। मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि दूर तक की तस्वीर दिखाई जाए जिथे वो नौजवान पुलिस अधिकारियों के नाल वार्तालाप कर रहे हैं। तुसी देख सकते हो ये सिंघू बॉर्डर दे स्टेज का माहौल स्टेज तो बैकसाइड दूर दूर तक वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स इत्थे मौजूद है। दूसरे पासे निहंग सिंघां दे वल्लों बोले सो निहाल दे जकारे गजाए जा रहे ने तनाव वाला माहौल इत्थे नज़र आ रहा है। लोगों के मनां विच लगातार सवाल सी मेरे नाल साडे पत्रकार जतन शर्मा मौजूद ने उन्हां तों जाणदे आ वो पुलिस अधिकारियों के विचों आए ने कि आखिरकार इत्थे की हो रहा है। जतन असी उचाई ते खड़े हाँ बिल्कुल साड़ी पूरी गलबात नहीं हो सकी वो नौजवान आए ने वो नौजवान कौन ने हाथ दे विच उन्होंने तिरंगा फड़िया होया कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहया जाएगा। जाहिर है लाल किले के उपर केसरी निशान चलाया गया सी उसका विरोध इन्होंने नौजवानों के वालों किया जा रहा है पर यह नौजवान किस जथेबंदी के ने कितों आए हैं तो इन्हों का मकसद की है क्योंकि दूसरे पास जेकर देखिए निहंग सिंह भी बोले सो निहाल के जकारे जा रहे हैं तो इस पास जोड़े ये नौजवान ने यह विरोध कर रहे हैं जो सारा लाल किले के उपर घटनाक्रम वापरिया। आखिरकार माजरा की है की हो रहा इतने तुम दसो। कुछ एक घंटे पहले की यह गल अगर थानू दसना चाहिए असी तो एक घंटा पहले क्यों कुछ नौजवान आए थे उन्होंने हाथों में तिरंगे झंडे से कुछ नौजवान दसे जा रहे दिल्ली वाली साइड तो ने कुछ हरियाणा के ही ने क्योंकि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पैंदा दोनों इलाकों के कट्ठे करीब 100 के नेड़े तेड़े नौजवान सके हाथों के तिरंगे झंडे से उन्होंने कहना है कि तिरंगे का अपमान होया तिरंगा झंडा ला के सुट्टिया गया पर असल च तिरंगा झंडा ला के कितों नहीं सुट्टिया गया बल्कि तिरंगा झंडा कोई व्यक्ति फड़ा रहा है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो केसरी निशान साहब उत्थे चढ़ाया सिर्फ इस गल के जो सोशल मीडिया के उत्ते वीडियोज़ वायरल हो रही ने तो इस करके नौजवान विरोध जता आए थे। हालांकि पुलिस ने एहतियात वरतते हुए उन्होंने रोकने की साफ तौर पर कोशिश की है पुलिस ने कहा कि अगे नहीं जाना क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कोई भी टकराव की स्थिति बने क्योंकि जो टकराव की स्थिति बनानी सी फिर तो 26 तरीक न भी बना सकती सी। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि सारा जो मैटर है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कोई भी जो आम व्यक्ति है वह इस मामले के ना आए इस करके पुलिस ने बैरीकेडिंग भी बधाई है जेडे थोड़े बहुते रास्ते खुले से वह भी दोबारा तो बंद कर दिते ने पूरे तरीके नाल जो इलाके से सील कर दिते ने करीना भी मौके पर बुलाई गई ने दोनों तारीफ की असी वीडियो देखिए तो एक पासे मुट्ठी भर लोग ने जो कि कह रहे हैं कि असी अगे जाना वधरा स्टेज से लोगों कहना वा कि वह गलत होया तो दूसरे पासे जो लोग ने कह रहे हैं कि गलत कुछ नहीं होया इस तरह सिर्फ अपना उत्थे केसरी निशान साहब चढ़ाया से होर इदू इलावा कुछ भी नहीं लेकिन कुछ सोशल मीडिया से प्रचार किया जा रहा कि तिरंगा उतार के सुट्टिया असलीयत है कि उतार के नहीं सुट्टिया गया जो तिरंगा झंडा सुट्टन की गल निचों ही एक व्यक्ति ने फड़ाया कि इन चढ़ाओ तो उस व्यक्ति ने एक्सैप्ट नहीं किया उस व्यक्ति ने सुट्टिया जरूर है पर उतार के नहीं सुट्टिया असल दे विच कहानी यह है। तो लोगों की जेकर गल करिए हुण ये नौजवान पहुंचे हुए ने वड्डियां क्रेनां मंगवा लिया गई ने पुलिस फोर्स के वलों जो आम लोगों का आन जाण का रस्ता से वह बंद कर दिता गया है। यो जगह है जिहड़ियां दोनों स्टेजां दे विच एक पासे संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज है दूजे पासे किसान मजदूर बिल्कुल इतने दो स्टेजा ने एक तो हैगी मेन स्टेज जितों सारे आगू अपना भाषण देंगे ने एक दूसरा वो बैकसाइड से छोटी स्टेज भी है। ये दोनों स्टेजा के अगर देखिए तो 200 मीटर का फासला है इसे 200 मीटर के फासले के वड्डी संख्या के पुलिस मुलाजम पहुंचे हुए हैं जो करेना ने थोड़ा वो भी पहुंचे हुई ने
तो कुछ नौजवान भी पहुंचे हुए जिन्ना भी घटनाक्रम हो रहा यही 200 मीटर के दौरे जो दायरा वा वो हो रहा वा टकराव की स्थिति ना पैदा हो। एक बार फिर तो कह रहा पुलिस प्रशासन इस लग्या हुआ क्रेना के नाल वे वे कंटेनर के नाल राह रोकने की कोशिश की जा रही है। तो उही तस्वीर असं इस वक्त दिखा रहे हैं हाथों के तिरंगे झंडे ने हालांकि सिर्फ एक धिर नहीं हैगी जिसके हाथ में है जिहड़े ये नौजवान आए हैं इन्हां दे हाथ में भी ने ते दूजे पासे जिहड़े किसान ने उन्हां दे हाथ में भी तिरंगे झंडे ने। जतन जेकर गल करिए दिल्ली वाले पासे आए हैं दिल्ली वाले पासे तो जिहड़ी छोटी स्टेज लगी हुई है उसनू पार करके आए हैं उस स्टेज के उपर जिहड़े किसान ने आगू ने उन्हां दा भी इन्हां दे वल्लों विरोध किया गया कोई नारेबाजी हुई है उत्थे? हालांकि जो दोनों स्टेजा ने विरोध कोई नहीं होया दोनों स्टेजा तो इन्नी ही अनाउंसमेंट हुई है कि किसी भी पासे टकराव की स्थिति पैदा ना होने दी जाए। तो इस साइड से जेकर गल करिए इसे साइड से छोटी स्टेज है तो इसे साइड से दिल्ली का राह वा इसे तरफ तो नौजवान आए थे तो उरे सेंटर दे विच उन्हां नूं रोक लिया गया जी। बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि दूर लगी हुई एक बार स्टेज भी दिखाउण ताकि जगबाणी दे नाल जिहड़े दर्शक जुड़े हुए ने वो देख सकन दोनों स्टेजां दे विचला माहौल। ये बैरीकेडिंग की जा रही है क्रेन मशीन है क्रेन मशीन के परले पासे तुसीं देखोगे तुहानूं नज़र आएगी कि वह स्टेज लगी हुई है। हुण मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि लैफ्ट नूं कैमरा पैन करते हुए ये शॉट्स दिखाते हुए दूसरी स्टेज वल भी लैके जाण ताकि दर्शकों को पता चल सके ये जिहड़ा घटनाक्रम है किस जगह का है। खब्बे पासे वो स्टेज भी दिखाई जाए दूर तक तस्वीर ये खब्बे पासे की संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज है तुसी देख सकते हो तस्वीर दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की यह स्टेज है जिथे उच्चियां गड्डियां ते ट्रकां ते चढ़े हुए नौजवान देख रहे हैं। यह संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज की बैकसाइड नौजवान खड़े हुए ने ट्रकां दे उपर जो ये सारे घटनाक्रम नूं देखण दे लई इत्थे मौजूद ने। आम लोगों की तस्वीर भी तुहानूं दिखाउंदे आ जो किसानों के मोर्चे के शामिल होने के लिए लगातार पिछले 2 महीनों तो इतने पहुँचे हुए ने। इन लोगों के वलों ट्रैक्टर परेड के भी शमूलियत की गई निहंग सिंघां का भी डेरा इसे जगह पर है तुसीं देख सकते हो तस्वीर के वड्डी गिणती के दमाले सजाई हुए सिक्खी सरूप के निहंग सिंह नज़र आ रहे हैं। हुण मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि सज्जे पासे आउण संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज तो सज्जे पासे बैक साइड तुसीं देख सकते हो ये वड्डियां मशीनां करेना इत्थे लगाईआं गईआं ने जो लगातार बैरीकेटिंग कर रही ने। मैं एक बार फिर जतन के नाल जुड़दा जतन ये मशीनां कदों मंगाईआं गईआं ने पहलां भी इत्थे मौजूद सन जां नहीं तुसीं लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हो 2 महीनों तो लगातार तुसीं इत्थे मौजूद हो पहलां इत्थे इक अद्धी मशीन सी हुण वध संख्या दे विच मशीनां पहुँच चुकीआं ने। अगर असीं 24 घंटे पहलां दी गल करिए तां असीं 24 घंटे पहलां एक रिपोर्ट भी दिखाई सी जिस दे विच मशीनां दे राहीं बैरीकेडिंग की जा रही थी शायद कितें ना कितें पुलिस नूं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसनूं पहलां ही खदशा सी कि जिहड़ा एक्शन होया उहदा रिएक्शन भी हो सकदा है। हालांकि पुलिस आश्वस्त है कि अजिहा असीं कुछ भी नहीं करन देवांगे लेकिन एहतियात वरतदे हुए पुलिस ने इहदी पहले ही तैयारी कर ली सी बैरीकेडिंग दी। कल रात नूं असीं देखिए 4-4 लेयर बनाई गई ने सब तो पहला तो वड्डी गल है जिहड़ा 10-10 हज़ार किलो दे इत्थे सीमेंट दे बने हुए बैरीकेड ने उन्हां दी इक लेयर नहीं 3-3 4-4 लेयर बनाई गई ने ताकि उन्हां नूं हुण सौखे तरीके दे नाल ना पुट्टिया जाए। उही कारण है कि दोने पासे वध संख्या दे होण दे बावजूद भी वह जो बैरीकेड ने नहीं टुटे वड्डी संख्या दे विच पुलिस प्रशासन है यही कारण है कि किसी भी पासों यह हंगामा नहीं हो पाया। तुसीं नीचे भी हुण देख सकते हो किस तरीके जो बैरीकेड ने देखो 10-10 हज़ार किलो का एक बैरीकेड है सीमेंट का बनया हुआ जिसनों वड्डिया करेना दे नाल JCBs दे नाल साइड ते लगाया जा रहा है वद्दो वद्द सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी घटना ना वापरे। असीं उही तो दिखा रहे देखो कि नज़दीक तो दिखा रहे जगबाणी TV सब तो नेड़े तो होकर दिखा रहे तो बिल्कुल बिल्कुल जतन आप छत के उपर खड़े हैं तो छत तो बिल्कुल कोल तो असीं ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो पुलिस फोर्स के वलों इतने वड्डिया मशीन मंगाई गई ने JCB मशीनों के नाल ये बैरीकेडिंग की जा रही है वड्डे वड्डे पत्थर वड्डे वड्डे बैरीकेड इतने लगाए जा रहे हैं। दूसरे पासे वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स जतन एक बार फिर वो नौजवान आए ने हाथ दे विच तिरंगे लैके बिल्कुल नौजवान फिर तो आए ने लेकिन सिर्फ उन्होंने कोल तिरंगे ही ने होर कुछ नहीं इसे करके पुलिस कह रही है भी जेकर तुसीं बहसबाजी करोगे तो मामला गर्माहट च जा सकदा गर्माहट च जाऊगा तो हिंसक रूप लै सकदा हिंसक रूप लऊगा तो दोनों ही धिरां का नुकसान है जिहड़े लोग आए ने उन्हां दा भी नुकसान है जो मोर्चा चल रहा उन्हां दा तां नुकसान है ही है क्योंकि पहले ही उन्होंने एक वड्डी ढा लगी है इसे करके पुलिस प्रशासन ने उन्होंने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तुसीं अर्ध सैनिक बल किन्नी संख्या दे विच इत्थे मौजूद ने हालांकि उन्हां कोल डंडे मौजूद ने उन्हां कोल जो अपना सुरक्षा गार्ड मूहरे हुंदा वा आर्मड वह भी उन्हां कोल आर्मड ड्रैस पूरे तरीके नाल पाई हुई है ते क्रेन दूजे पासे काम कर रही है। लगातार पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है कि कितने टकराव की स्थिति ना पैदा होवे हालांकि लगती भी नहीं है क्योंकि वह
अंद मुठ्ठी भर लोग ने, 100-125 लोग ने, इतने 40,000 से 50,000 के करीब बंदे होंगे। बहुत छेती तुम देखोगे माहौल शांत हो जूगा। हालांकि कई प्रचार कर रहे हैं कि माहौल खराब है, खराब कुछ नहीं, अपना अंदोलन बड़े सोहने तरीके चल रहा। जो लोग बिल्कुल लोगों के मन खदशा है, लगातार एक खदशा इस गल का बनया होया कि जी पुलिस फोर्स है ये किसानों के धरने चुका नहीं आई इस जगह तो नहीं। ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि जो 1,000 या 5,000 पुलिस वाला भी होगा 40,000 लोगों के नाल कि सौखी गल नहीं है, टकराव बढ़ सकता है, चुकान कोई नहीं आई। पहला भी सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध से, अज भी उही ने, उन्होंने बस दुरुस्त किया जा रहा है, फर्क इन्ना ही है। मैं संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज तो आया, उत्थे नौजवानों सतर्क कर दिया गया है, नौजवान जो उन्होंने वॉलंटियर उन्होंने कहा गया है कि भाई ध्यान रखा जाए हर चीज़ का। लगातार उन्होंने नौजवानों को सुचेत किया गया तो हूँ वह भी उत्थे सुचेत ने ताकि कोई स्टेज पर गड़बड़ ना होए। एक बार फिर असं दूर तस्वीर दिखाने जतन, ये जी फोर्स है ये कि फोर्स है, एक तो अर्ध सैनिक बल ने, दिल्ली पुलिस है, होर हरियाणा की कोई बिल्कुल जी असं थले जा रहे हैं, असं कोई माहौल नहीं खराब कर दस देना चाहते। इतने अर्ध सैनिक बल ने RAF को कहा गया, रैपिड एक्शन फोर्स में भी वह भी इतने आए, बाकी दिल्ली पुलिस के जवान ने उन्होंने इतने बुलाया गया। होर ये तीन तरीके की इतने फोर्स हैगी तस्वीर असं दिखा रहे हैं, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के बैक साइड दी तस्वीर, लगातार ये तस्वीर असं तुहानू दिखा रहे हैं, तस्वीर तुसीं देख रहे हो। ये तस्वीर असीं तुहानू दिखाइया दिल्ली के सिंघू बॉर्डर दी, सिंघू बॉर्डर जिथे थोड़ा जा दहशत वाला माहौल बनया, कुछ लोग आए जिन्हां दे हाथ में तिरंगे सन, उन्होंने वालों ये नारेबाजी की गई कि तिरंगे का अपमान नहीं सहया जाएगा, जिसते चलदिया होया अर्ध सैनिक बल ते दिल्ली पुलिस के वालों उन्होंने नौजवानों को रोकया गया, तो टकराव वाली बनी हुई स्थिति इत्थे खत्म करने की कोशिश की गई। तो किसान आगुआ की लगातार संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज चल रही है, माहौल स्टेज के उपर शांतमई है, जिथे जेकर किसानों की गल करिए पंजाब तो भी लगातार किसान इतने पहुँच रहे हैं। हालांकि कुछ किसान गए सन वापस, फिर वो किसान इतने अपने डेरे लगा के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहना है जदों तक जंग नहीं जीती जाएगी असी वापस नहीं मुड़ांगे। ये तस्वीर असं तुहानू सिंघू बॉर्डर दी दिखाइया, इसे तरह होर तस्वीर भी तुहानू इत्थों दी दिखाउंदे रहांगे कि माहौल है। जो लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार दिल्ली के 26 की परेड तो बाद, ट्रैक्टर परेड तो बाद की माहौल है, किन्ने कु लोग उत्थे बैठे हुए ने, कि लोग वापस आ गए ने जां उसे तरह स्टेज लगा के बैठे हुए ने, असीं उह तस्वीरां वी तुहानू दिखाउंदे रहांगे। कैमरामैन मोनू दे नाल रणदीप सिंह, जगबाणी TV, सिंघू बॉर्डर दिल्ली। सारा साधन तो दो पूरे यार लेस काइप देगा। लंघ जाना पूरा शांत माहौल विखा दो सारा कोई गल नहीं।
ऑडियो चेक बाबा जी तुम जो बोलना तो अगे खड़ जो जी उत्थे तुहाडे कोल माइक ला दांगे तुसीं बोलदे जो बोलो ठीक है तो अगे खड़ांगे बिल्कुल छब्बी तरीक की ट्रैक्टर परेड तो बाद कई तरह दी अफवाहां फैलियां लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिरकार दिल्ली की स्थिति की है दिल्ली के बॉर्डर के उपर जो किसान बैठे हुए ने वो किहड़े हालातों के विच ने कि किसान उत्थे बैठे हुए ने जां वापस आ गए ने यह सारिया तस्वीर असी तुहानू अज दिखावांगे सब तो पहला तुहानू सिंघू बॉर्डर की यह तस्वीर दिखाने ये तस्वीर है निहंग सिंघां दी निहंग सिंघां दे परले पासे तुसीं देखोगे बैरीकेडिंग कर दित्ती गई है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की परले पासे स्टेज है उस स्टेज का नाता इस पासे तो तोड़ दिता गया है विचले पासे दिल्ली पुलिस ते अर्ध सैनिक बल मौजूद ने ते इस पासे निहंग सिंह ने हुण असीं तुहानू अगले पासे दी तस्वीरां दिखाउने आ इत्थे शांतमई माहौल है हालांकि लोगों के मन में थोड़ा बहुत डर जरूर है जेकर संयुक्त किसान मोर्चे की गल करिए संयुक्त किसान मोर्चे के वलों अपने वलंटीयर लगाए गए हैं उन्होंने वलंटीयर के वलों इस पासे नू जाण तों मनाही की जा रही है जिस पासे बैरीकेडिंग की गई है क्योंकि बहुत सारे नौजवान ज लोग इस बैरीकेडिंग देखने के लिए भी जा रहे हैं जिस करके उन्होंने रोकया जा रहा है कि कोई अणसुखावी घटना ना वापरे तुसी तस्वीर दे विच देख सकते हो तुसी तस्वीर दे विच देख सकते हो ये वलंटीयर तुसी संयुक्त किसान मोर्चे के वलंटीयर हो ना हाँ जी सर की ड्यूटी लगाई थोड़ी सर हाँ यही ड्यूटी लगाई गई है कि आप कोई शरारती अंसर की मतलब कि आप कामयाब नहीं हो देनी कोई भी चलाकी ये आप मतलब कि अपने इधर लोगों ढक के रखना वा भी ता कि उत्थे माहौल शांतिपूर्ण बनया रहे कोई शरारती अंसर आए थे हुण इत्थे नहीं फिलहाल तो कोई आए दो चार आए ही उन्होंने पत्थर पुत्थर मारे पुलिस ने होर कुछ नहीं इसे करके सारा कट रोकया इत्थे किन्ने क वलंटीयर की ड्यूटी लगाई गई इत्थे इत्थे वीर जी सारे वलंटीयर ही है जिहड़ा समझदार है तुसी देख सकते हो इन्हां दी ड्यूटी लगाई गई इन्हां नौजवानों की ताकि इस पासे तो नौजवान अगले पासे ना जाण तनावपूर्ण माहौल ना बने किसान आगुआं दे वल्लों बड़ी समझदारी दे नाल कदम उठाए जा रहे ने पैर फूक फूक के कदम तरे जा रहे ने क्योंकि जो 26 जनवरी नूं लाल किले दे उपर केसरी निशान चलाया गया उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआ के मन में कई तरह दी चिंतावां ने कई तरह के डर ने कि होर इस अंदोलन नू सट ना वजे किसान आगुआ का कहना है कि केसरी निशान चलाए जाण करके इस किसान अंदोलन नू वड्डी सट लगी है इस करके वह फूक फूक के पैर धर रहे ने ते दीप सिद्धू जां लखा सिदाणा उन्हां दे उपर इन्हां किसान आगुआ दे वल्लों लगातार निशाने भी साधे जा रहे हैं असीं हुण तुहानू लैके जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की स्टेज दे वल इह पिछले पासे दीआं तस्वीरां असीं तुहानू दिखाईआं सन जिथे बैरीकेडिंग की गई ते निहंग सिंह जिथे मौजूद सन उस पासे नौजवान खड़े ने इन्हां नौजवानों नू परले पासे नहीं जाण दित्ता जा रहा परले पासे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की जिहड़े किसान ने वह बैठे हुए ने उस पासे नहीं जा रहे ना उधरले किसान इस पासे आ सकते हैं ना इधरले उधर जा सकते हैं हुण असीं इधर एक बार फिर चलते मैं अपने कैमरामैन नू कहांगा कि नाल नाल चलते रहन ते इत्थों दीआं तस्वीरां दिखाउंदे रहन क्योंकि जिन्हां लोकां दे मनां दे विच सवाल ने कि हुण ताज़ा हालात की ने वो ताज़ा हालात असीं तुहानूं दिखा रहे हैं इत्थों दी मौजूदा स्थिति दिखा रहे हैं लोग इत्थे लगातार पहुँच रहे ने किसी तरह का कोई डर नहीं तुहानूं असीं तस्वीरां दिखाउंदे हां तुसीं देखो उसे तरह स्टेजां लगियां होईयां ने इह संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज है तुसीं तस्वीर दे विच देख सकदे हो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज है जो लगातार चल रही है ते वड्डी गिणती दे विच लोक इत्थे पहुँच के किसान आगुआं दीआं गल्लां नूं सुन रहे ने उन्हां दे आदेशां नूं सुन रहे ने तुसीं तस्वीर विच देख सकदे हो मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि दूर तक की यह तस्वीर दिखाउण क्योंकि जिन्हां दे मनां विच सवाल ने कि हुण इस मौके की स्थिति की है मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि तस्वीर दिखाउण तों बाद वापस आउण तां कि असीं अगे चलदे हां दूर दूर तक जिहड़ियां तस्वीरां ने उह असीं दिखाउण की कोशिश करदे हां उस तरह आवाजाई मौजूद है इत्थे ट्रैक्टर ट्रालियां उस तरह खड़े हुए ने उस तरह नौजवान सेवावान निभा रहे ने तुसी देख सकते हो हालांकि पहलां दे नालों गिणती काफ़ी घट है
ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਲਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ट्रैक्टर ट्रैलियां लगिया हुई ने, चलते रहेंगे दूर दूर तक की तस्वीर असी दिखाते रहेंगे। उस तरह ही तुसी देख सकते हो बाबा ते नौजवान मोबाइल ते कुछ देखते दे हुए बाबा जी ने गलबात करते हैं। बाबा जी लोगों के मन में सवाल है कि हुण किसान अंदोलन का की बनेगा, जित हासिल करना है जित हासिल होएगी ज नहीं। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि पता नहीं हुण सिंघू बॉर्डर के उपर किसान है भी ने वापस आ गए ने, कितनी कु गिनती दे विच लोग इत्थे ने गए ने वापस जां इत्थे ने जेडे ते 26 जनवरी वेखण आए थे, 26 तरीक वेखण आए हैं 26 जनवरी वह तो गए चले, उन्हें चले जाना सी, उन्हें टिकना नहीं सी। जेडे किसान किसानी के मुद्दे पर लड़ते वो बैठे आ लड़ते रहेंगे जित के जाएंगे, वो कितने नहीं जाने वाले, वो आ भी रहे जिन्होंने आना सी ते जेडे डटे बैठे आ किसान जिन्होंने किसानी का दुख अपनी किसानी खुशी जा रही है वो मोर्चा ला के बैठे बैठे आते बैठे रहेंगे। मोदी सरकार ने हुण सख्ती की है जो तो लाल किले के उपर निशान चलाया गया है, उस सख्ती का कोई डर सहम है लोगों के नहीं? सानू उस सख्ती का कोई डर नहीं, असी जो गलत किया ही नहीं, कराने वाले सरकारी बंदे ने मोदी के बंद ने करवाया, उन्होंने ही रोकना सी, वो सरकार साड़ी राखी वास्ते साड़ी दुश्मन बन गई, उन्होंने सारा कुछ कह के करवाया, वो जन दो जन साडा तो उस झंडे का मतलब ही कोई नहीं, असं अपनी किसानी वास्ते लड़ते तो लड़ते रहेंगे ज जित के जावे, सानू झंडे का कोई मतलब नहीं गा, जो झंडे का मसला उठता उदों वास्ते लड़ते, अजो साडा झंडे का कोई वास्ता नहीं। ठीक है, कोई होर कहना चाहते इस मौके से जोड़े लोग दूर ने चाहते जोड़े पिंड लोग चले गए भुलेखे ने चल गए, उन्होंने आ जाना चाहिए, किसानी मुद्दा सामने आपके अखा से वेखना चाहिए, आके किसानी के मुद्दे लड़न वाले लोग लड़ी जाते जाने वाले नहीं गए, आओ इतने पिंड बैठे लोगो भुलेखे च ना जायो, जरा तुम तार पीटो किया गया गलत जे ये पासे ना जाओ, इतने आ जाओ तो मुद्दा इतों ही पास होना, इतों जित के जाना, अं इतों नहीं जावे जिन्हें चर सा किसानी मुद्दा कई पासे लगता नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੀਪਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਔਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਔਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਘਟੀ, ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਕਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੋਕਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੋਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਡਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉਤਰਾ ਪੜਕਾਰ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਹਿਮ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਪੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਝੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਗੱਲ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।